हेलो गॉसिप गर्ल्स गॉसिप गर्ल के आज के पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ये पॉडकास्ट स्पेशली मतलब ये तो मैं बनाने ही वाली थी लेकिन स्पेशली मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि पीएन एन सांगे अगर मैं सही से नाम ले रही हूँ तो यही आपका नाम है तो आपका कुछ एक दो बार मैसेज आया है कि प्लीज़ सेठानी जी पॉडकास्ट बना आपके लिए खास सेठानी जी पे पॉडकास्ट ये जो सेठानी जी कहती है ना कि इस बार उन्होंने मतलब एकदम कस्टम मेड साड़ीज़ वगैरह बनाई है डिज़ाइनर्स से कराया है वगैरह ये ऐसा कुछ नहीं है ये सब फोकट का माल है ये प्रमोशन है ये जो इनके इन इनसे करा रहे हैं पता नहीं मतलब इनसे भी प्रमोशन कराते हैं लोग एनी तो ठीक है कुछ ना कुछ तो उतने उनके जो तीन चार मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं उन उन तक तो पहुंच ही जाएगा दैट इज़ गुड इनफ तो उनसे प्रमोशन करवाया गया है ये कुछ मतलब पैसा वैसा देख के पेड़ वाला सीन नहीं है उल्टा इन इन्हें ही पैसे मिले होंगे प्रमोट करने के ऊपर से कपड़े भी साथ में मिल गए और क्या चुन चुन के कपड़े बनाए भाई मतलब एक एक दिन मतलब जा एक्स्ट्रा रिविलिंग है तो दूसरे दिन बहुत ज़्यादा ही ढक दिया सेठानी जी को मतलब मुझे लगा ही था जिस दिन उन्होंने फर्स्ट सा, फर्स्ट डे जो साड़ी पहनी थी उसमें मैंने रिव्यू दिया था उसमें जब पूरा रिविल हो गया था उसके बाद वो रिविलेशन पूरा ढकने की पूरी पूरी कोशिश अभी कल के वाले कॉस्ट्यूम में थी एकदम फुल स्लीव्स का राजस्थानी रुदाली रुक लुक बनाया गया था अरे भाई कौन से डिजाइनर है ये ऐसे कैसे कपड़े मतलब क्या डिज़ाइन किए और क्या बोलती थी जब भी वो जाती थी ना पहले ओ, मतलब देखने के लिए कि क्या क्या कपड़े पहनूंगी क्या क्या जब डिसाइड करने जाती थी दैट टाइम वो क्या बोलती थी कि इस इस बार में ना मैं बहुत ज़्यादा हेवी लुक नहीं रखने वाली हूँ ये लोग बोल रहे हैं कि गणपति के लिए बहुत हेवी हो जाएगा दिस एंड दैट अभी कौन सा लाइट है अभी अगर ये लुक हैवी नहीं है तो हैवी क्या होता है भाई ये बहुत ही हमारे लिए तो यही हैवी है बहुत ही ज़्यादा है हैवी है ये क्या मतलब इतने इयर और वो हाथ का कड़ा एंड गले में गले में इतना चोकर एंड ऑल दैट वो क्या बोल रहे थे वो सब पहन के ऐसा कौन रहता है मतलब ये नॉर्मल लुक तो है नहीं लास्ट टाइम आपको याद है जबिका बेदी आई थी उन्होंने एक सिंपल शिफॉन की साड़ी पहने थी और इतनी एलिगेंट लग रही थी लग रही थी इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी उसे कहते हैं यू ना आप एकदम सिंपल सादगी में ब्यूटीफुल लगना ये क्या है इतना ताम झाम करके फिर भी ठीक है चलो जिसको लगी हो वो ब्यूटीफुल तो लगी है हर किसी का अपना अपना चॉइस होता है बट मुझे तो बिल्कुल नहीं लगे भाई मतलब इतना ताम झाम करके भी शी वॉज नॉट लुकिंग ग्लैमरस शी वॉज लुकिंग यू कैन से ग्लैमरस बट शी वॉज नॉट लुकिंग प्रटी ब्यूटिफुल जो एलिगेंस रहता है वो नहीं था और भाई ये शीतांजलि का क्या फंडा है ये शीतांजलि भर भर के उसको गिफ्ट्स देती है उसके पूरे खानदान को गिफ्ट्स देती है इतने गिफ्ट्स मतलब इसने प्रमोशन किया है उसका बहुत तगड़ा प्रमोशन क्योंकि इस इससे ही शुरुआत हुई थी सबसे स्टार्टिंग में जाने वाली और उससे प्रमोट करने वाली यही थी यही जाती थी सब कुछ पूछने के लिए इसने वो मतलब व्लॉग व्लॉगिंग में शीतांजलि को लाना स्टार्टेड फ्रॉम सेठानी जी तो शायद उसी वजह से शी इज़ ग्रेटफुल टू हर एंड वो हमेशा उसके पास आती रहती है और उसको भर भर के गिफ्ट देती रहती है या फिर उसके जो खतरनाक प्रडिक्शंस है वो कई सेठानी जी जानती तो नहीं है ये कुछ भी पकाती रहती है तो कुछ ज़्यादा उल्टा पुलटा ऊपर नीचे बोल दे इसलिए उन्हें गिफ्ट दे दे के दबाती रहती है गॉड इनली नर्स तो इतने गिफ्ट देती है भर भर के और इतने भारी भारी मतलब वेरी एक्सपेंसिव गिफ्ट्स शी गिव्स और मतलब पहले भी वो कहीं गई थी तो यू एस से या फिर कहीं से उन्होंने उनके लिए परफ्यूम्स अच्छे वाले ब्रांडेड परफ्यूम्स वगैरह लेके आई थी कॉफ़ी के वो जो कैप्सूल्स रहते हैं वो भी वो ला देती है उन्हें भाई मज़े है जी के और सेटानी जी की चमक देखी चेहरे पे जैसे कोई देता है इन्हें सिर्फ लेना आता है भाई देना नहीं आप आपको एक उनका व्लॉग याद है जब वो सब गिफ्ट्स आए हुए सॉर्ट कर रही थी उनके सब्सक्राइबर्स ने उनको गिफ्ट भेजे थे और वो सॉर्ट कर रही थी बैठ के शमिता के साथ एंड देन शी वाज सपोज टू गो टू हबीबीज पेरेंट्स हाउस जो उसके चुनचा के पापा है तो मतलब उनका ही उनका ही मेटिंग कराया था ना उनका मतलब उनके कुत्ते के साथ इसका वो चुन चुन का मेटिंग कराया था और तभी वो चुनचा पैदा हुई थी तो वो लोग भी जो है वो बिग शॉट्स है और अभी भी उन उन्होंने एक अच्छा खासा गिफ्ट हेम्पर भेजा था सेठानी जी के लिए बट जब इसे देने की बारी आई थी तब ये मोल लगा रही थी लिटरली शिव कि ये दूँ क्या ये दूँ क्या ऐसी चीज ढूंढ रही थी जो सस्ती भी हो और अच्छी भी हो और अच्छी भी है और एक्सपेंसिव है, है वो वो खुद रखेगी मतलब उसका दिल इतना छोटा है कि वो लेने के लिए तो तैयार रहती है फिर बिल्कुल बोलेगी कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव है ये गिफ्ट मुझे मिला है एंड दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव लास्ट टाइम भी वो शितजलि ने उसे कोच का बैग लेके दिया था लेकिन इसने क्या दिया है सोचने वाली बात है मतलब ये इतनी घटिया औरत है और कभी कुछ बोलेंगे ना तो बोलेगी कि मैं दिखाती नहीं हूँ मैं देती हूँ लेकिन मैं दिखाती नहीं हूँ बहन जब तू इतनी भी तू सोबर नहीं है और इतनी भी तू दूध की धुली हुई नहीं है कि तू कुछ देगी और दिखाएगी नहीं वो ख, ख, खिलाती है दस बार दिखाती है लोगों को खिला रही है वो पंडित जी को खिला खिला के मतलब उन्हें टोंट मारे जा रही है उनके लिए अजीब सा म्यूज़िक लगाते हो तुम जब वो खाते हैं उन्हें बोलते हो कि पंडित जी को यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा है पूरे पाँचों दिन दो टाइम का खाना यही चल रहा है उनका मतलब यार तुम ऐसी औरत हो जो किसी को खिला के भी उसका निकालती हो तो तुम गिफ्ट दोगी तो क्या तुम चुप बैठोगी और इनका पंडित भी भाई अजीब सा पंडित है और ये लोग भी अजीब से हैं मैंने फर्स्ट टाइम किसी के घर पे पाँचों दिन पंडित जी को देखा है दिन रात वही बैठे हुए रहते हैं कमाई हुई है होती होगी कि वो मतलब पाँचों दिन सब काम धाम छोड़ के वही बैठे हुए रहते हैं इनके घर पे मतलब बुक किया हुआ रहता है आसन तो कहने की बात यह है कि मैंने कभी नहीं देखा चलो आप स्थापना के लिए पंडित को बुलाते हो वो भी आजकल लोग खुद ही करते हैं लेकिन फिर भी चलो बुलाया सत्यनारायण की पूजा रखी वहाँ पर बुलाया ठीक है एक दो विधियों के लिए हम बुलाते लेकिन ये दिन रात वही बैठे रहते हैं वही मतलब ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा गणपति जी जिस घर में आते हैं उस उस घर में पाँचों के पाँचों दिन या जितने भी दिन आप रखते हो पंडित जी रहते हैं कल तो क्या लगाया था चार्ट काउंटर लगाया था चलो चाट काउंटर लगाया वहाँ पे खाने के लिए गए वो पंडित जी को पहले बोला चलो पंडित जी से शुरुआत करते हैं पंडित जी ने वैसे ही पहला निवाला लिया वैसे ही वो कौन सा अजीब सा एव, म्यूजिक लगा दिया मतलब एकदम वो जो फ़नी वाला म्यूजिक नहीं होता है वैसा वाला म्यूजिक लगा दिया ऊपर से फिर उसके ससुर आते हैं पीछे से खाना खाने तो उन्हें कहती है कि पापा आप आ भी गए आज चाट काउंटर है तो बड़े जल्दी आ गए आप मैंने सोचा नहीं था आप इतना जल्दी आओगे बहन तू तो कहना क्या चाहती है मतलब वो खाने के लिए लगाया ना तूने तो तो आ गए खाने के लिए इसमें कौन सी बड़ी बात है इतना एम्बेरस कर देगी ना किसी खाने वाला भी दस बार सोचेगा कि इसने बनाया हुआ खाए या इसने रखा हुआ कुछ खाए या ना खाए हर बार कैमरा हर बार हाथ में कैमरा और कैमरा लेके बैठी हुई रहती है इसलिए इसके सास ससुर ने इसके घर पे आना भी बीच में छोड़ दिया था अभी गणपति के लिए तो फिलहाल वो मजबूर है तो आते हैं अदरवाइज गिवन अ चॉइस ना तो वो गणपति के लिए भी नहीं आएंगे इसकी इसी हरकत की वजह से वो भारती सिंह जब आई थी तभी कि सास उ, उनके हस्बैंड के बारे में कुछ बता रहे थे उन्हें वो शूटिंग गए थे तभी उनके बारे में एक्सपीरियंस शेयर करी थी तभी अभी हर एक जगह की अपनी बोली भाषा होती है तो वो अभी यूपी के है तो उसी तरह से बोलेगी ना जैसे मराठी महाराष्ट्रियन लोगों का एक अलग अपना एक्सेंट होता है जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ मैं हिंदी बात तो कर रही हूँ लेकिन आपको समझ में आ आ जाएगा कि ये एक प्रॉपर मतलब मैं इतनी कंफर्टेबली नहीं बात कर पाती मेरा अपना एक स्टाइल है बात करने का अपना एक एक्सेंट है तो उससे मेरी मतलब मैं महाराष्ट्रियन हूँ ये झलकता है वैसे अगर कोई गुजराती बात करेगा तो गुजरात का एक वो अपना एक एक्सेंट अपना एक तड़का होता है वैसा ही हिंदी हिंदी का भी अलग अलग प्रदेश में अलग अलग स्लैंग है अपना अपना स्टाइल है बात करने का है ना तो उसी तरह से उसकी सास का वो यूपी वाला एक्सेंट है तो वो उस तरह से वो शिकारी शिकारी बोल रही थी शिकारी को भारतीय को इतना ध्यान भी नहीं था शी वॉज वेरी चिल मतलब उनको इतना कुछ पढ़ी भी नहीं थी वो मतलब इतना क्या शी वॉज नॉट नोट नोटिसिंग इट बट ये बार बार तीन चार बार बोली कि सिकारी 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 अरे भाई तुम बहुत बड़ी हो पंजाबन अरे तुम्हें खुद की पंजाबी नहीं आती खुद की भाषा का मजाक उड़ाती हो तुम आप इसके व्लॉग्स देखोगे तो कुछ भी बकवास इधर पंजाबी बोलती है पंजाबी के नाम पे और ऐसा वैसा कुछ भी वर्ड ठोक देती है और दुबे जी को बोलती है कि ऐसा पंजाबी वर्ड है ये एक्चुअल में वो वर्ड कुछ होता भी नहीं है जो जब तुम्हें खुद की भाषा क्लियर नहीं है तुम दूसरों का मजाक उड़ा रही हो मतलब हर चीज़ पर यह मजाक उड़ाएगी खुद को बहुत बड़ी शानी समझती है भोली पंजाबन और इसे क्या लगता है ना कि जो पहले व्लॉग्स पे ज़्यादा व्यू आए हैं ना वो वाला कंटेंट अगर अभी मम्मी पापा आए ही है तो मैं वही रिपीट करूँगी ना तो शायद ये भी ट्रेंडिंग में चला जाएगा ये भी बहुत ज़्यादा मुझे व्यूज़ आएंगे तो वही चीज़ें वो रिपीट कर रही है मतलब ये तो नॉर्मली है दैट शी रिपीट्स एवरी ईयर कि मतलब मेरा खाना कैसे बना है और मैं कैसी दिख रही हूँ ये पूछना दैट इज़ वेरी वेरी नॉर्मल लेकिन के अलावा भी अभी वो क्या कर रही है कि जो छोटे छोटे जो चीज़ें जो उसने प्रीवियस गणपति सीरीज में की है और जिस वजह से वो व्लॉग्स ट्रेंडिंग में आए थे वो चीज़ें वो रिपीट कर रही है फॉर एग्जांपल दिस टाइम वो वापस से वो बेसुरा भजन गाने बैठ गई थी जिसका कोई भी मतलब तालमेल नहीं था उस सीन से को, कोई भी लेना देना नहीं था लेकिन वो अचानक से उसके दिमाग में आया कि हाँ इस पर ये लास्ट टाइम ट्रेंड हुआ था तो वापस वो आके बैठ गई थी और गाना गाने बैठ गई थी और सेम रिएक्शन उसने ऑलरेडी बोल के रखा था अपने ससुर को तो आके आप बाहर आना क्योंकि आप दोनों व्लॉग कंपेयर करोगे कि सेम टू सेम तो आजकल ये लोग अपने सास ससुर को स्क्रिप्ट देके उनसे भी चीज़ें करवाना शुरू हो गए हैं एंड सिंस दे आर नॉट एक्टर्स दे आर जेन्यून पीपल तो जब वो एक्ट कर करते हैं ना तो समझ में आता है कि वो एक्टिंग कर कर रहे हैं और इन्होंने ज़बरदस्ती कराया है उन उसके ससुर जिस तरह से बाहर आए ना इट वाज लिटरली मतलब इतना क्लियरली मेंशन हो रहा था उनसे वो रिटेक पे रिटेक करा के कराया गया है एंड दैट वाज नॉट एट ऑल नेचुरल कि इसकी सड़ी हुई आवाज़ सुन के वो जब बाहर आते हैं और सेठानी जी कोई भी चीज़ है ना एक बार ही ट्रेंड होती है एक बार ही फनी लगती है इफ़ यू डू इट ऑन रिपीट मोड वो फ़नी नहीं लगता ओके okay? तो आप ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए और कुछ दूसरे या पैतरे आजमाइए फेमस होने के लिए अभी यू आर वेरी क्रिंज यू आर लुकिंग वेरी क्रिंज एंड मतलब बहुत ही आउटडेटेड लग रहा है सब कुछ और अब ये सुनो ये मतलब अभी आई एम नॉट श्योर कि ये सेठा जी सेठानी जी ने अपने सास को ये डायलॉग बोला था या ये इनकी सास किसी औ, और के ब्लॉग्स देखती है अब मैं ये डायलॉग जब बोलूँगी ना तब आपको पता चलेगा ये आपने भी नोटिस किया होगा बड़ों को नमस्कार और छोटों को आशीर्वाद याद आया कुछ याद आया छोटों को बड़ों को अम्मी का सलाम याद आया ना तो चिब्राहिम फैमिली से चुराया हुआ डायलॉग है बस वो सलाम है और इनका ये नमस्कार है और ये जो आते हैं ना इनके घर पे फेलो एक्टर्स कम व्लागर्स तो ये इनके कोई दोस्त वोस्त नहीं होते दोस्ती यारी नहीं होते ये सब अपने काम के लिए आते हैं एक दूसरे के घर पे ये तो मतलब आप आप तो पहले से ही जानते होंगे तो ये लोग की कम्युनिटी है और एक दूसरे के घर पे जाके अपने आप को प्रमोट करते रहते हैं तू मेरी तारीफ कर मैं तेरी तारीफ करूँगा तो ये होता है इनका सीन क्योंकि देखो झमलजीत राणा भी आया हुआ था बाद में भारती सिंह भी आई हुई थी ये सब इसी काम के लिए आते हैं इनका कोई लेना देने जैसे ही कपिल शर्मा के बारे में सेठा सेठानी जी ने पूछा भारती को वैसे ही वो कैसे वहाँ से तुरंत निकल ली भारती का बहुत अच्छा रिलेशनशिप है लेकिन इसके साथ कौन रहेगा भाई और इसको मतलब खुद को खुद की बेजती करती है कैमरे पे ऑन कैमरा खुद की बेजती सब तो समझ में आ आ गया ना सबको कि कपिल ने इसको कैसे एक कटा दिया है वटा दिया है साइड में तो यही है इसके साथ कोई नहीं इस इतनी, इतनी इसका मुंह इतना खुलता है ना कि भाई इसके साथ कोई नहीं रहना चाहता ज़्यादा सब उससे दूर ही रहते हैं लास्ट टाइम भी ये कह रही थी ना कि मेरे कोई कोई दोस्त पहले थे अभी बिल्कुल नहीं है और लोग मतलब भी होते ये वो ये किसी और के बारे में नहीं बल्कि कृष्णा और कश्मीरा के बारे में बात करे उसने नाम रिविल नहीं किया बट शी वॉज टॉकिंग अबाउट दैम ओनली क्योंकि उन्होंने भी इससे डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है फॉर वट एवर रीज़न मैं ऐसे नहीं कहती कि वो लोग बहुत ज़्यादा पानी में वो लोग भी सेम ही हैं लेकिन वही है ना आपकी संगति ऐसी है तो आपको ये भुगतना तो पड़ेगा ही इसलिए ना सेठानी जी आप अपनों को संभालना सीखो जो आपके अपने हैं ना उनका मजाक मत उड़ाओ ये आज आने और कल जाने वाले दोस्तों के सामने ठीक है इतना बात याद रखो आपको ज़िंदगी में बहुत काम आएगी फाइनली फाइनली सेटानी जी ने सेव बर्फ़ी बना ही दी एक काम तो हो गया भाई कुछ सीखा तो उसका कुछ अमल तो किया चलो शुक्र है और उस दिन मतलब उस बारे में मैं मजाक नहीं उड़ाना चाहती बिल्कुल भी मजाक नहीं उड़ा रही हूँ ये मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि बिल्कुल भी मजाक नहीं है बट दिस इज़ अ फैक्ट कि उनकी सास जो कह रही थी कि आरती के टाइम पे उन्हें गणपति जी की मूर्ति हिलती हुई नज़र आई इट माइट बी एन एल्यूजन ऐसा होता है ना मतलब कलर की वजह से और वो जो म्यूज़िक और वो जो जो बजता रहता है आरती को हम ताल बजाते हैं और घंटी बजती है वो उसका जो रिदम रहता है उसकी जो आवाज़ गूंजती है उससे वो इफ़ेक्ट उनको आ गया होगा उनको ऐसा लगा होगा दैट इज़ पॉसिबल बट ये मोरपंक का जो ये बोल रही थी ना ये एक नंबर की झूठी है एक तो ये हर चीज़ कैप्चर करती है हर चीज़ कैप्चर करती है और ये ऐसी चीज़ फटाक से कैप्चर ना करे तभी इसका कैमरा बंद होता है सेकेंडली जब वो बाद में दिखाती है कि देखो ऐसे हो रहा था और तब वो मोरपंख उड़ता ही नहीं है सबसे पहले मेरे दिमाग में यही ख्याल आया कि वो जो तुमने टैगलाइन है, है ना कि गणपति जी ने जाने से मना कर दिया इसलिए वो वापिस वापिस मोर पंख जा रहा था जी नहीं गणपति जी ने आपको वो संकेत नहीं दिया था गणपति जी आपको ये संकेत दे रहे थे कि बहन बस कर वो कैमरा बंद कर और कुछ भी दिखा मत और बार बार मुझे मत कैप्चर कर हर एक चीज़ छोटी छोटी चीज़ के लिए कैमरा मत उठा हर एक चीज़ को मत दिखा कि मतलब ये चमत्कार हो रहा है वो चमत्कार ऐसा चमत्कार दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है ये गणपति जी आपको संदेश दे रहे थे यहाँ पे कोई चमत्कार नहीं हो रहा है प्लीज़ आप अपना कैमरा साइड में रखें और पूरा ध्यान मुझ पे लगाएं ये आपसे एक छोटी सी एक्सपेक्टेशन है और एक्सपेक्टेशन भी नहीं बोल सकते आपको खुद ही वैसे होना चाहिए अगर आप पूरी तरह से भगवान में तल्लीन हो आप उसकी पूरी मनोभाव से सेवा कर रहे हो आप हर बार कैमरा ऑन करने की सोचोगे ही नहीं तो मुझे लगता है कि गणपति जी आपके घर से जाना चाहते थे या नहीं चाहते थे यह अलग बात है लेकिन वो भी अपने आप को बार बार कैमरा पे आने से और बार बार आपका ये रिकॉर्डिंग करने से ऊब चुके थे तो प्लीज़ थोड़ा ना अपना अपना भी कुछ रखो सब कुछ ऑन कैमरा करने की ज़रूरत नहीं है सब कंटेंट कंटेंट नहीं होता है ठीक है सेठानी जी आई होप आप ये बात अच्छी भली भांति समझ गई होगी तो इसी नोट पे मैं आज का ये पॉडकास्ट यही ख़त्म करती हूँ मिलती हूँ अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में तब तक के लिए टेक केयर बब्बा माँ